हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दास ऑटोमोटिव। दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ 2024 होंडा CB350 डिलक्स प्रो मॉडल का एक डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू। इस बाइक के अंदर टोटल दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है, एक आता है डिलक्स एंड आता है डिलक्स प्रो। दोनों बाइक के अंदर आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है एंड क्या आपको सिमिलैरिटीज है, वो आपको सारा चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ इस बाइक का ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है इस मार्च 2024 के अंदर, क्या फीचर्स है इस बाइक से, आप क्या माइलेज निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के दौरान शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, वेरी स्पेशल थैंक्स टू होंडा बी गोइंग टॉप लाइन कोलकाता साउथ। अगर आप लोग कोलकाता हावड़ा हुगली से ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली शोरूम पे विजिट कर सकते हो। शोरूम का सारा डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भाई आपको चाबी से ही शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। इसके अंदर आप देख सकते हो होंडा की प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ चाबी देखने को मिल जाता है। भाई इसके अंदर आपको कोई भी वेब बैठ के देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन भाई इसका चाबी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर आप जब भाई ऑन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, इसके अंदर आपको फुली LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो हाईनेस CB350 के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई इस बाइक के अंदर आपको हैजर्ड फंक्शन भी मिल जाता है। एक मिनट, मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर आपको हैजर्ड फंक्शन भी मिल जाता है। बाकी भाई इस हेडलाइट की चारों तरफ आपको क्रोम का शानदार फिनिशिंग देखने को मिल जाता है, जो आपको डिलक्स मॉडल के अंदर ये नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगेगी और यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार कवर के साथ यहाँ पर इसका टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन मिलता है, जो आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के अंदर भी देखने को मिल जाता है। और भाई यहाँ पर आपको फुल्ली मेटल का बॉडी कलर के अंदर फ्रंट मडगार्ड देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में आपको 310mm का डिस्क साइज मिल जाता है, जो निसिन कंपनी का डुअल पिस्टन कैलिपर्स के साथ आती है। और फ्रंट टायर का सेक्शन है MRF कंपनी का 100x90 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। और इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है भाई, वो है 166mm का। और एक बात दोस्तों, इस बाइक के अंदर ये जो एग्जॉस्ट माफलर देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा अलग मिलता है दूसरी होंडा की कोई भी बाइक के मुकाबले। इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड भाई काफ़ी दमदार है। इंजन के ऊपर यहाँ पर होंडा का 3D में ब्रांडिंग दिख जाएगी। यहाँ पर आपको फोल्डेबल राइडर का फुटपैक मिलता है, ब्रेक लीवर। और दोस्तों, इसके इंजन में आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको वही 348.36 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जो 4 वाल्व्स के साथ आती है। और इसका पावर निकलती है वही 20.7 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 30 Nm का टॉर्क देता है। और भाई इस बाइक का टॉप स्पीड है लगभग 130 km/h की। यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट के ऊपर आपको O2 सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डुअल हॉर्न मिलता है, और भाई ये डुअल हॉर्न डिलक्स एंड डिलक्स प्रो दोनों में ही देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को यहाँ पर सुना देता हूँ। दोस्तों, इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी यहाँ पर सेंटर में आपको CB350 का बैजिंग देखने को मिल जाएगी 3D में। और भाई यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पूरा का पूरा आपको फाइबर में मिलता है। बाकी दोस्तों, इस बाइक का सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्प्लिट टाइप सीट देखने को मिलता है, जो ब्राउन कलर के सीट के अंदर आती है। और अगर आप डिलक्स मॉडल लोगे तो उसका सीट आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको पिलियन ग्रैब रेल देखने को मिल जाएगी ब्लैक कलर के अंदर, फुल मेटल का। और इसका सीटिंग कंफर्ट भाई, राइडर का जो सीटिंग कंफर्ट है ना भाई, काफ़ी शानदार है भाई। ये काफ़ी चौड़ी भी है, साथ ही साथ पिलियन का सीट भी काफ़ी शानदार है। बाकी पीछे आपको यहाँ पर होंडा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और पीछे आपको नाइट्रोजन चार्ज्ड डुअल शॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको 240mm का डिस्क साइज देखने को मिल जाएगी, जो निसिन कंपनी का सिंगल पिस्टन कैलिपर्स के साथ आती है। और पीछे आपको MRF कंपनी का 130x70 18 inches का ट्यूबलेस टायर मिलता है। और भाई यहाँ पर आपको फुल ब्लैक कलर के अंदर पीछे वाला मडगार्ड देखने को मिल जाएगी, जो फुल मेटल का आती है। और यहाँ पर आपको पीछे वाला जो टेल लाइट आता है भाई, पूरा का पूरा आपको LED में मिलता है। और यहाँ पर आपको ब्लिंकर्स भी LED में दिख जाएगी। बाकी भाई यहाँ पर ये जो फिनिशिंग देख रहे हो, ये काफ़ी शानदार इसका फिनिशिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। और इस तरफ आपको साड़ी गार्ड के साथ पिलियन फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और यहाँ पर आपको हिल एंड टो शिफ्टर दोनों ही देखने को मिल जाएगी गियर चेंज करने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको साइड स्टैंड के साथ इंजन कटऑफ सेंसर भी देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको डबल स्टैंड भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, इसका फ्यूल टैंक के साइड में यहाँ पर आपको छोटा सा रबर का थाई ग्रिप देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको होंडा का 3D में ब्रांडिंग दिख जाएगी। बाकी भाई इस बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 15.2 liters का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, जो लगभग 35 KMPL के आसपास आराम से माइलेज निकाल देती है। और दोस्तों, इस कलर के अंदर अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको छोटा छोटा ग्लिटरिंग पार्टिकल्स नजर आएगी। बाकी भाई इस बाइक तो E20 फ्यूल कंफर्टेबल के साथ ही आ रही है, और यहाँ पर आपको फ्यूल लीड ओपनर क्रोम में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर एनालॉग में मिलता है। यहाँ पर इस छोटी सी डिस्प्ले के अंदर आपको न्यूट्रल, टाइम, फ्यूल गेज, यहाँ पर आपको टोटल किलोमीटर का रीडिंग। और यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके आप यहाँ से इसका ट्रिप ए, बैटरी वोल्टेज,
रेंज, ट्रिप ए का माइलेज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब कुछ देख पाओगे। और इस तरफ आपको मिलता है होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर आपका हाई बीम का सिग्नल, यहाँ पर आपका साइड स्टैंड का इंडिकेटर, न्यूट्रल, इंजन मैलफंक्शन सिग्नल, ABS का सिग्नल, और यहाँ पर आपको इकोनॉमी का सिग्नल भी देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई इस बाइक के अंदर भी आपको टाइप सी वाला चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। और इस तरफ आपको कुछ इस तरीके का हैंडल बार देखने को मिल जाएगी। सेंटर में आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है। हेडलाइट अपर डिपर, साथ में पास स्विच मिलता है। और यहाँ पर इस चारों बटन से आप इसका इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ वाला वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन, इंडिकेटर का बटन, और इस तरफ इंजन किल स्विच, एंड नीचे हैजर्ड ऑन एंड ऑफ करने का बटन। बाकी भाई इस बाइक के अंदर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है। तो दोस्तों यही था होंडा CB350 डिलक्स प्रो मॉडल का एक डिटेल वर्कआउट रिव्यू। अब दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या कलर देखने को मिल जाता है वो दिखा देता हूँ। ये जो कलर देख रहे हो इसका नाम है पार्ल इग्नियस ब्लैक, और यहाँ पर ये जो देख रहे हो इसका नाम है मैट मार्शल ग्रीन मेटालिक, और ये है मैट ड्यून ब्राउन। इस तीनों कलर को छोड़कर और दो कलर आपको मिल जाता है, रेड मेटालिक एंड मैट क्रस्ट मेटालिक। दोस्तों अब इस बाइक का कीमत के बारे में जान लेते हैं। 2024 के अंदर होंडा CB350 डिलक्स प्रो मॉडल का एक शोरूम कीमत है 2,17,800, और कोलकाता के अंदर इस बाइक का ऑन रोड कीमत है 2,61,325 रुपीस। और दोस्तों अगर आप लोग डिलक्स मॉडल मतलब ये वाला मॉडल लेते हो तो उसका एक शोरूम कीमत है 1,99,990 रुपीस, और इसका ऑन रोड कीमत है अप्रॉक्सीमेटली कोलकाता के अंदर 2,41,338 रुपीस। दोस्तों आप लोगों को मैं इसका दोनों बाइक का ऑन रोड प्राइस एंड रिव्यू बता दिया। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक मार देना। चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।